नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच अब भारत सरकार हर एक कदम सावधानी के साथ रख रही है। केंद्र कोरोना के खतरे से निपटने के लिए हर तैयारी कर रही है और अब भारत में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। आज से नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में भी शामिल कर दिया गया है। लेकिन ये वैक्सीन आखिर है क्या और ये किस तरीके से ये वैक्सीन काम करेगी, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद पल्लवी जी। डॉक्टर आनंद, एक बार फिर से कोरोना सर उठाने लगा है, नए वेरिएंट्स इसके सामने आ रहे हैं और पहले की तरह ही चाइना में एक बार फिर से हाहाकार है। और ऐसे में भारत सरकार भी कहीं ना कहीं डर गई है और सतर्कता के साथ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाइना में काफी दिल से था, लेकिन कमाल की बात है बात है कि कि ये खुला है अभी 10 दिन के भीतर। और परसों से जब मैंने ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर को, तब ये फटाफट चालू हो गया और मांडवी ने भी अपना थोड़ा बहुत एक्शन लेना चालू किया। पर हकीकत डॉक्टर ये है शुक्ला, कि जब अगर भी हम चाइना देखें, ओवरऑल देखें, तो चाइना से भारत तक ये वायरस पहुंचने में क्या लगता है कुछ अनुमानित समय कि कब तक ये पहुंच सकता है या किन महीनों में जो ये कोरोना का नया वेरिएंट है ये पीक पर पहुंच सकता है? देखिए, ठंडे के मौसम में पिछली बार भी जब पहली बार आया था तब नवंबर में वहां पे शुरू हुआ था, 19 नवंबर को, और दिसंबर में आते आते फैल गया। 2 दिसंबर के बाद स्टार्ट हुआ और जनवरी फरवरी में मरना चालू हो गए लोग। उसी तरीके से 3 महीने के भीतर ये पूरा तबाह कर देगा। गवर्नमेंट को हमने आगाह किया था ट्वीट करके, तुरंत एक्शन चालू हुआ। अभी 3 दिनों में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और पुलिस का रोल है। और दूसरी बात, अगर आपने एयर ट्रेवल नहीं बंद कराया तो बहुत खतरा हो सकता है। अभी तक WHO से कोई भी न्यूज़ नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सब लोग सो रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे विश्व में फैल जाएगा। अभी अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। अगर ये दोबारा, ये टॉक्सिक है क्योंकि वैक्सीन फेल कर गया चाइना में, जबकि चाइना की टेक्नोलॉजी हम लोग से बहुत अच्छी है, और वहां भी नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वो भी फेल हो गया। हम कैसे मान लें कि हम लोग यहाँ बहुत सफल रहे? हाँ, हमारे यहाँ इम्यूनिटी और डाइट बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत अच्छी है, जिसके कारण हम लोग संभाले हुए हैं, लेकिन पर हमें डॉक्टर भरोसा शुक्ला, नहीं जैसे कि है। वैक्सीन भी लग चुकी है, 2 डोज लग चुकी हैं, बूस्टर डोज भी कई लोगों ने लगवा ली है, तो क्या लगता है कि इसके बावजूद जो नया ये वेरिएंट है क्या उसी तरह से प्रभाव डाल बिल्कुल आ पाएगा सकता जो है, कि कोरोना की सेकेंड वेव में देखने को मिला था? बिल्कुल बिल्कुल मिक्स कंडीशन हो सकता है। इनका जो वैक्सीन भी है, हम लोगों का कहा जा रहा है कि मजबूत है, लेकिन ये कंपेरेटिव ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है। और भी वेरिएंट से 129 वेरिएंट तो 3 दिन पहले था, अभी समय 150 वेरिएंट से ज्यादा हो गया है, क्योंकि वायरोलॉजिस्ट कंटिन्यूअस सर्च में है। तो अब ये जो भी वैक्सीन है हम लोगों के पास वो मिक्स वैक्सीन है और इन जनरल वर्क करेगी, स्पेशल वैक्सीन तो है नहीं। अब इसका एक्शन कितना होगा और कितना स्प्रेड होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन तभी बढ़ता है जब एक जगह 5 लोगों को हो जाता है, तो क्रॉस ट्रांसमिशन बढ़ता है, इसलिए ये टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो पर अब डॉक्टर ये आनंद वेट शुक्ला, करना जैसे कि है। शोध में कहा गया है कि 3 ट्रायल हुए हैं, 3 फेजेस हुए हैं इस वैक्सीन के, जो नेजल वैक्सीन जो नहीं आई है, और सफल रही है, परीक्षण काफी सफल और बेहतरीन रहा है इसका। जी देखिए, इन लोगों का कहने से हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास पोलियो के भी वैक्सीन थे, फिर दोबारा पोलियो होने लगा। हेपेटाइटिस बी का है वो अभी उतना सफल नहीं है, हेपेटाइटिस ए और सी के अभी भी उतना सफल नहीं है, तो और एड्स का वायरस एंटीवायरल वैक्सीन बना ही नहीं पाए, इस तरीके से डेंगू का नहीं बना पाए। तो हम कैसे कह दे कि ये हिट्स एंड ट्रायल है, लोग प्रिकॉशन लेते रहे हैं इसलिए ठीक हो रहा है। केवल टेटनस का वैक्सीन जो है सफल है, और अभी
कैंसर की जो लड़कियों में होता है उनके लिए अभी सफल माना जा रहा है, लेकिन कहाँ तक है नहीं माना जा सकता। तो डॉक्टर आनंद, यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों ने भी वैक्सीन को लेकर कई अलग अलग तरह के वहां पर उन पर प्रभाव पड़े हैं। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई, कुछ बच्चों ने लगवाए ही जी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे में अगर ये नया वेरिएंट भारत में प्रवेश करता है तो क्या सबसे जी ज्यादा खतरनाक जो है ये जो वायरस है वो बच्चों के लिए होने वाला है? देखिए, किसी को भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये मास मूवमेंट बंद कराएं, मीटिंग्स बंद कराएं, पब्लिक प्लेसेस को स्क्रीन आउट करें, एयरपोर्ट्स को स्क्रीन आउट करें, ना हो तो एयरलाइंस कैंसिल कराएं, एयर कनेक्शंस कैंसिल कराएं, तथा और भी देशों से आने जाने की रिस्ट्रिक्शन कराएं और ट्रेवल्स बंद कराएं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। हो सकता है कि बायो टेररिज्म भी हो, इकोनॉमिक की कंडीशन पूरे विश्व में खराब है, तो कहीं ना कहीं ये किसी लैब से बनाया जा रहा है, स्प्रेड कराया जा रहा है, ये भी संभव हो सकता है। पर ये जिस तरह से नेजल वैक्सीन है इसके लिए भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना के जो जर्म्स हैं, ये जो वायरस है, नाक के जरिए अंदर जाता है, सांस के जरिए अंदर जाता है और लंग्स पे सबसे पहले ही असर डालना शुरू करता है, इसलिए नेजल वैक्सीन बाकी वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन साबित होगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकल वर्क तो बहुत कम होता है। अगर ये लोग कह रहे हैं तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग भी साइंटिस्ट हैं, हम लोग क्लिनिशियन हैं। अगर ये मान रहे हैं तो हम अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 4 6 महीने के भीतर हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिक्स है। इसके पहले प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा था, ये मैंने ही रुकवाया था जयपुर गोल्डन में सबसे पहले, कि इससे कोई फायदा नहीं होता। उसी तरीके से बहुत सी है, मिजेनकाइमल टिश्यूज है, वो सब एक्शन में नहीं आ पाए, नहीं USFDA या INDIA FDA उसको ग्रांट दिया, ICMR ने भी नहीं कुछ उसके लिए बोला। तो इस तरीके से अब अगर ये लोग, ये ट्रायल है इसका, फोर्थ स्टेज माने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है और नहीं है, इफेक्टिविटी है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, ये सब चीजें 2 4 6 महीने के बाद ही पता चलेगा। जी, और डॉक्टर आनंद शुक्ला, जैसे कि अब ये वैक्सीन जो है, वो एक नई वैक्सीन यहाँ पर आई है, लेकिन जब दो वैक्सीन की डोज लगी, बूस्टर डोज लगी, उसके बाद हार्ट अटैक के जो रेट हैं उसमें वृद्धि हुई है, जी तो अब क्या आपको लगता है कि इस मेरा नेजल वैक्सीन के बाद अब क्या होगा लोगों का, क्योंकि हार्ट अटैक के रेट बढ़ चुके हैं और काफी लोग हैं जो इस तरह की संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं? आपसे पहले भी इस बात पर जब चर्चा हुई थी कि वैक्सीन के बाद जी कई ऐसे लक्षण लोगों में सामने आए हैं और वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए। देखिए, हमारे हिसाब, मैं फार्माकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं तो इसको 90% प्लेसिबो मान रहा हूँ। 10% अगर एंटीबॉडी बनता है, क्योंकि ये लोग स्लाइड्स में देखे हुए हैं और साइंटिस्ट लोग हैं, तो लेकिन ये कितना वर्केबुल है और कितने दिन के लिए वर्केबुल है ये कहा नहीं जा सकता। बॉडी में दोबारा लोग कोई चेकअप कराता नहीं, ना ही इसकी उतना जांच होती है, प्रिकॉशंस बहुत लोग लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज लोग छोड़ दिए हैं, जिससे इम्यूनोग्लोबुलिन बनना कम हो गई है, तथा फास्टिंग लोग नहीं रह रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं बॉडी में, इंटरनल स्ट्रेस जब तक होता नहीं तब तक ये दिक्कतें बनती रहेंगी और फाइट का कैपेसिटी कम हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, हार्ट अटैक काफी लोगों को हुआ है, तरह तरह के कैंसर भी बढ़े हैं, और कोमॉर्बिड स्टेटस वाले आदमी बहुत मरे हैं, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, कार्निया हो, स्किन ट्रांसप्लांट हो, बोन ट्रांसप्लांट हुआ हो, ये सारे लोग मरे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। शुक्ला, जैसे कि हेलो अभी हार्ट रेट की अगर जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या ये मान जी लिया जाए कि वैक्सीन के बाद कोरोना से तो इम्यून हो गए हैं कुछ हद तक, लेकिन बाकी चीजों के मुकाबले इम्यूनिटी कम हुई है लोगों की? बिल्कुल कम हुई है, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट का, मलेरिया में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एचआईवी में भी नहीं फर्क पड़ा, ट्यूबरकुलोसिस वालों में भी नहीं हुआ,
तो ये सारे पेशेंट धड़ाधड़ मर रहे हैं और उसी हिसाब से बढ़ इसलिए गए हैं कि साथ में और इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है और इम्यूनिटी लो होने के कारण तथा ये एक्सरसाइज न करने के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, शुगर का लेवल भी बढ़ गया है, क्योंकि यूटिलाइजेशन बॉडी में सेल्स नहीं हो पा रही है। तो इसलिए दुनिया की एक तरीके से डिजेनरेशन और टॉक्सिसिटी बढ़ती रही है। कैंसर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जी क्रॉस इसमें लिंकेज के कारण जो है जीनोमिक कंडीशंस और बुरी होती जा रही है। पर अब जिस जी तरह से नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए तो एक तरफ खाई और एक तरफ कुएं वाली यहाँ पर स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इम्यूनिटी को खतरा है, नहीं लगवा रहे हैं तो कोरोना के जी नए वेरिएंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिर करें क्या। जहां तक इस नई वैक्सीन की बात है, नेजल वैक्सीन, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करेगी, और क्या जिन लोगों ने पहले से बूस्टर शॉट्स वगैरह सब लगवा लिए हैं, क्या वो भी नेजल वैक्सीन लगवाएंगे? डॉक्टर आनंद हाँ, आवाज सुन पा रही है? ठीक जी है, हाँ, देखिए, आ रही है, ठीक है। देखिए, नेजल वैक्सीन पे बिल्कुल मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना बॉडी में इसकी एक्टिविटी है अभी अननोन है, क्योंकि और इसका मेजरमेंट भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नाक से हवा लेता है बंदा, इसलिए वहां ट्रैप कर लेगा, जो कि ये थीसिस और ये थ्योरी हमारे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी बात जो लोग बता रहे हैं कि अगर इसको ले वो लोग ले जिनको बूस्टर डोज लेना है, उनमें तो ये कारगर सिद्ध हो सकता है, बाकी क्योंकि नाक से ग्रोथ है नहीं, नाक से केवल एंट्री है और वो भी नैनो पार्टिकल सही है, फटाफट घुस जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। पोलियो वाली बात दूसरी थी, जब ओरल पिला दिया जाता है तो वो आंतों में उसकी वायरस का इफेक्ट है, इसलिए हमें अभी इसमें डाउट है। और जब तक 2-3 महीना ना हो जाए और साइंटिफिक स्टडी और डाटा ना आए, मुझे विश्वास नहीं है। पर डॉक्टर आनंद, क्योंकि कोविन पर तो इसको अब पोस्ट कर दिया गया, डाल दिया गया ये ऑप्शन, तो अब क्या होगा? क्योंकि 3 फेजेस भी इसके हो चुके हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है सेफ है, ट्रायल इसके बेहतर रहे हैं। देखिए, प्लेसिबो थेरेपी जो है और नोसिबो, दो एक ऐसा कंडीशन है ह्यूमन माइंड का, अगर उसको होप हो गया, फेथ हो गया, तो उसकी हीलिंग हो गई 60 से 70%, और उसका मैकेनिज्म अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात, नोसिबो होता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, दुनिया के सारे आप वर्क कर लीजिए, आप उस पेशेंट को नहीं बचा सकते, इसका भी मैकेनिज्म नहीं है। तो ये चीज हम इसको होप और फेथ पे लेके चल रहे हैं, बाकी साइंटिफिक स्टडी जब तक डाटा ना आए, मल्टीपल स्टेशन से, मल्टीपल ट्रायल प्लेसेस से और मल्टीपल सिस्टम से, तब तक हम इसमें नहीं कर सकते। तो डॉक्टर आनंद, क्या लगता है कि जैसे पहले भी एज ग्रुप में बांटा गया था टीकाकरण को, तो क्या नेजल वैक्सीन के लिए भी इसी तरह का टीकाकरण, मतलब कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि पहले इस उम्र से इस उम्र देखिए, तक के लोगों को लगेंगी? ये रैंडमाइज्ड है और इन लोगों का अभी कोई वार्निंग साइंस आया नहीं, ना ही नोटिफिकेशन आया कि किस एज में हमने ट्रायल लिया है, जेरियाट्रिक में लिया है, बच्चों में लिया है, एडल्ट में लिया है, प्रेग्नेंट लेडी में लिया है, को मॉर्बिड स्टेटस में लिया है, ट्रांसप्लांटेड पर्सन में लिया है, और कहाँ कहाँ कितना ट्रायल्स हुआ है और क्या डाटा है, तब तक हम लोग क्या कहें। मार्केट में आए, साथ में उसका लीफलेट दिखे, क्वालिटी इफिकेसी और सेफ्टी दिखे, तब तो हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करें, नहीं तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, उनके अपने ऑफिसर्स हैं, वो दिलवा सकते। अच्छा डॉक्टर आनंद, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी जैसे हम मिलते हैं जिनसे कई बार, आम जन से, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने अभी तक एक भी वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, लेकिन अभी भी वो सरवाइव कर गए कोरोना को। तो क्या लगता है कि यस, ऐसे इसी को लोगों को प्लेसिबो कहते ये हैं। चीज लेने की जी जरूरत है, या फिर उनकी ऑलरेडी बॉडी में वो इम्यूनिटी प्रेजेंट है,
कि वो कोरोना से पार कर पाए। जैसे कि आपने भी एक बार कहा था कि कुछ लोगों में कोरोना छूकर निकल गया, उन्हें पता भी नहीं चला, और हाँ रेगुलर सिम्टम्स के बाद भी वो ठीक हो गए। जी, उसका कारण ये है, दो चीजें हमने वो रिजल्ट ड्रा किया। पहला तो एक, जब भी कोरोना टाइप का फीवर आपको हो, आप हाई डोज लो और साथ में फैट लो, विटामिन ए डी लो और साथ में विटामिन सी, और कैलोरी हाई लो, वो प्रोटीन और फैट से कैलोरी लो, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। तो वो तो सारे सरवाइव कर गए। मेरे डिपार्टमेंट, मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज में हूँ, यहाँ प्रोफेसर हूँ, यहाँ मेरे जितने भी कोरोना के बाइटअप, माने उसके भुगतते हुए लोग जिनको रिस्पायरेटरी ट्रबल है, केवल विटामिन ए डी दिया हाई डोज में, और उन लोगों की खांसी बंद हो गई, लंग्स रिकवर हो गया। तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि आप मछली खाएं और तेल घी ज्यादा लें और साथ में एक्सरसाइज करें, और इम्यूनो स्टिमुलेट जैसे मसाले हैं, हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, लौंग वगैरह है, ये सब खाइए, आप एकदम इंतजाम मस्त रहेंगे और कोई बीमारी नहीं आएगी आपके पास। थोड़ा सा वेट बढ़ेगा तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करते रहिए और फिर देखिए आपका सर्वाइवल कितना अच्छा हो रहा है। वैक्सीन, चूंकि दो चीजें हैं, एक तो मास को हमने प्रोवाइड करना होता है, दूसरा अपोजिशन को भी दिखाना होता है कि हमने हेल्थ का प्रोटेक्शन दिया, हेल्थ फॉर ऑल का वर्क किया, प्रोटेक्ट किया, नहीं तो ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं गिर गई, यहाँ की भी गिर जाती। लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन धड़ाधड़ कर दिए। अभी देखिए राहुल गांधी का काफिला चल रहा है, इलेक्शन का मुद्दा बन गया कि हमारे इलेक्शन नुकसान कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिशियंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और आए दिन में आपको ये भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई कंट्री में ये वायरस बनाए जा रहे हैं, ये जीनोम तैयार किए जा रहे हैं, और ये वायरस बायोटेररिज्म के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे कि इकोनॉमिक खराब हो और देश की हालत खराब हो। ये कहा नहीं जा सकता जब पर तक डॉक्टर आनंद, इस हिसाब से तो इसका चाइना में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लोग मर रहे हैं, करीबन 3 लाख का आंकड़ा छू लिया जी, है पर डे इस उसका वायरस से कारण संक्रमित है। होने वालों में। पल्लवी जी, आपको मैं बार बार बात करा दूं, जी पहले भी मैंने कहा था कि वार होने वाला है, और वार के पहले इस तरीके से लोग आदमियों को मरवाते हैं कि कंट्री वो कमजोर हो, फिर उस पर अटैक किया जाता है और उसके बाद वो कंट्री को कमजोर कर दिया जाता है, इकोनॉमिक नष्ट किया जाता है, क्योंकि अपना मार्केट बनाना होता है। आप देखिए यहाँ की इंडस्ट्रीज सारी बंद है कि नहीं, और दोबारा हिम्मत भी नहीं है कि हम इंडस्ट्री चालू करें। जी तो आप ये, आपने खुला मार्केट दे दिया दूसरे को, दूसरे कंट्री के लोग चला रहे हैं, तो अब उनको आप पैसा दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, वही चीज यहाँ भी होगा, चाइना का वही चीज हो रहा है। तो डॉक्टर आप आनंद, अभी क्या तक वापस से अब कोवैक्सीन ये मान कैसे, लिया जाए कि वही दौर एक बार फिर से लौटने वाला है, कुछ प्रतिबंध होंगे हंड्रेड और फिर से वो परसेंट मास्क और 2 गज की दूरी पर लोगों को चलना पड़ेगा? बिल्कुल, वो तो नेचुरल चीज है, हमारे यहाँ तो कल्चर ही है दूर से नमस्ते करना, इसलिए यहाँ पे सेफ है हम लोग। हम लोग छूते छाते भी नहीं, हम लोग भी नहीं करते ज्यादा, हम लोग आलिंगन भी नहीं करते ज्यादा। विदेशों में तो ये कारण वो मर रहे हैं लोग, क्योंकि वो सारे क्लोज स्पेस में रहना चाहते हैं, हम लोग यहाँ तो नहीं रहते लोग, हम लोग यहाँ तो इसलिए यहाँ पे सर्वाइवल है जी। यानी अभी भी, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि अगर खान पान अच्छा हो तो इस वायरस से लड़ा जा सकता है, और अभी भी इतना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगर अभी से भी जी, दिनचर्या को बेहतर किया जाए तो अब संभवता है कि बिल्कुल नेजल वैक्सीन लिए बिना भी इससे बचाव हो सकता जी, है। डॉक्टर शुक्ला, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और पॉलिसी को लोगों को फॉलो करना पड़ता है, और जगह भी जाना, आपका मन ना करे तो ना लगाए। हमारे तो कई पेशेंट हैं जिनको, जिन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लगाया, मैं बार बार कहा। और ये भी था कि एक बंदा गया सेकेंड वैक्सीन लगवाने,
और वहीं मर गया बेचारा, हार्ट अटैक हो गया। तो हम निगेटिव नहीं प्रचार कर सकते, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है और सरकार ने इसको अच्छे रूप में दिया है, तो करने दे। अगर ट्रायल है, इनके पास सर्टिफिकेशन है, इनके पास अप्रूवल है, इनके पास साइंटिस्ट है, देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, हम तो नहीं कर पाएंगे नेजल वैक्सीनेशन, डॉक्टर आनंद, अगर वो नेजल अलग वैक्सीन अलग लगवा है। ली जाए और जिन लोगों ने पहले ही वैक्सीन लगवाई है, तो क्या उनमें ये खतरा नहीं बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, या फिर कैंसर जैसी किसी बीमारी का? देखिए, कैंसर तो अपने हिसाब से चल रहा है, उसमें कोई रोग वो जोड़ तोड़ नहीं हो सकता। उसके अपने ड्यूरेशन है, अपने उसके जेनेटिक्स हैं, और अपने हिसाब से चल रहा है। बल्कि चूंकि इम्यूनिटी डाउन हो रहा था, ये प्रोग्रेस में आ जा रहा है और विजिबल हो जा रहा है, और इसका डिटेक्शन है। नहीं तो पहले कितने लोग मर गए और मर जाते थे। अब इससे तो परेशानी एक और भी है कि ब्लड काउंट कम हो जा रहा है। अब ये सब बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लोग कंट्रोवर्शियल है, जो डाटा बेस्ड है, लेकिन डाटा बेस्ड और स्टेटिस्टिक बेस्ड साइंस है। जैसा है वैसा आप करिए, आप अपने जीन पे चेक कर लीजिए, एपिडेमियोलॉजी माने लोकेलिटी पे चेक करिए। आप दिल्ली के हैं, आप इंडिया के हैं, तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए। अब आप एक बात बताइए, इटली सबसे हेल्थ में पर पर्सन खर्चा करने वाला, अमेरिका सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला, और चाइना में भी हेल्थ एजुकेशन बहुत हाई है, छोटा नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, मर रहे हैं लोग ही नहीं। तो जी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ केवल कल्चर एक दूसरा है। दूसरी बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी बहनें खाना बहुत अच्छी बनाती हैं और बहुत हाई कैलोरी होता है, इसलिए यहाँ सस्ती है। जैसे मेरे कई पेशेंट जिनको मैंने बोल दिया था कि तुम छोले भटूरे धड़ाधड़ खाओ, थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, और सारे बच गए, क्योंकि कैलोरी हाई थी, वायरस की फाइटिंग थी, बहुत ज्यादा सेल डेथ हुआ, और उसके बाद चूंकि कैलोरी मिलने लगा, रीजेनरेट कर गया बॉडी, सारे जिंदा। करीब 70-80 हजार लोगों को हमने सेव किया केवल डाइट से। तो यानी नेजल वैक्सीन जी लगाना अभी भी कंपलसरी नहीं है, जैसे कि बूस्टर डोज के लिए हो गया था या सेकंड वैक्सीनेशन डोज के लिए हुआ था? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जब तक इनके लिटरेचर है और ये क्लेम कर रहे हैं तो करने दें, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा कोई भी वैक्सीन का असर नहीं आ रहा। जी बूस्टर डोज लगवाइए, क्योंकि आपका इससे साइकोलॉजी अच्छा होगा, फेथ होगा, तथा अंदर एंटीबॉडीज भी बनेगी, प्रिकॉशन भी लिए रहेंगे लोगों से, तो तो ये बट नेचुरल है, ये आप सेफ्टी में रहेंगे। रही बात डॉक्टर, जैसे मॉर्टेलिटी डॉक्टर शुक्ला, की, जैसे तो कि फिर पहले कहा गया था जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकती हैं, तो क्या नेजल वैक्सीन वो ले सकती हैं? देखिए, नेजल तो चूंकि लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होगा तो दिया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। बाकी जो भी हम इंजेक्टेबल दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बॉडी में डायरेक्ट इन्वेजन है। तो जी अब इसका ट्रांस प्लेसेंटा माने प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चों में इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, इस पे अगर ये लोग ट्रायल लिए हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंट लेडीज पे जल्दी ट्रायल होता नहीं, उसके लिए बड़ा भारी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अगर अंदर डेथ हो गया कॉम्पनसेशन बहुत देना पड़ता है। रही बात लैक्टेटिंग मदर की, उसमें भी ये सब चीजें देखना पड़ेगा। तो जी अब इनके पास है कि नहीं है ये वाच करना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर आनंद शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों ने भी सुना कि जिस तरीके से डॉक्टर आनंद शुक्ला ने कहा है कि ज्यादा घबराने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जैसे कि कहा जा रहा था पहले भी कि खान पान अच्छा होगा, बेहतर सावधानी अगर बरती जाए तो इस नए वेरियंट से भी लड़ा जा सकता है। हालांकि भारत में अभी इसके ज्यादा केसेस नहीं आए हैं, और जो कि शोधकर्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नई वैक्सीन, जो नेजल वैक्सीन की बात की जा रही है, वो काफी कारगर होगी। भारत बायोटेक की इसी वैक्सीन का 3 बार ट्रायल भी किया जा चुका है। खास बात यह रही कि तीनों ही ट्रायल में यह असरदार साबित हुई। पहले फेज के ट्रायल में आपको बताते चले जानकारी के लिए कि 175 लोगों पर यह ट्रायल किया गया। दूसरे फेज में ट्रायल जो किया गया उसमें 200 लोगों को शामिल किया गया, और उसके बाद जब तीसरा ट्रायल हुआ, तीसरे फेज का जो ट्रायल हुआ उसमें
पहले में करीब 3,100 और दूसरे में 875 लोगों पर अलग अलग तरह से इसे इस्तेमाल किया गया है। एक में इसे दो डोज वाली वैक्सीन की तरह और दूसरे ट्रायल में इसे बूस्टर डोज की तरह दिया गया था। और अब इस नई नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल पर भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब आप जाकर नेजल वैक्सीन भी ये लगवा सकते हैं। और फिलहाल जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए एक बार फिर से वही सेम प्रतिबंध, वही सेम कानून, वही सेम सावधानियों को बरतने की एक बार फिर जरूरत है। तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और खाने पर और एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दें। फिलहाल के लिए आरएन न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।